हेलो टीचर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि कल टेट के एग्जामिनेशंस हुए थे, तो कल प्राइमरी सेक्शन का जो बी पार्ट है वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सबको तो पता होगा कि सारे सेक्शंस मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे जो बी सेक्शन है वो मैं सॉल्व कर रही हूँ। आप अपना क्वेश्चन आंसर मैच कर सकते हैं। पहला है, प्राकैतिहासिक के किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो इसमें है प्राक। प्राक ऐतिहासिक होता है, प्राग नहीं होता, प्रागति नहीं होता, प्रा नहीं होता, तो इसका सही ऑप्शन है प्राक। दूसरा है, तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। नेक्स्ट है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो बहिष्कार का संधि विच्छेद है बहि धनकार। नेक्स्ट है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास की रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। नेक्स्ट है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग है इसमें पखावज नहीं है, पहिया है, लिखावट नहीं है, मझधार नहीं है, तो इसका सही आंसर है पहिया। नेक्स्ट है, ये कॉम्प्रिहेंशन दिया है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसके आंसर्स ये हैं। संप्रेषण कला क्या नहीं है? संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकरण नहीं होना चाहिए, प्रभावशाली आत्मविश्वास विचारों भावनाओं को व्यक्त करना, ये है, तो इसका सही आंसर होगा अलंकरण। 37 का है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? संप्रेषण कला का विकास अभ्यास से होता है। नेक्स्ट है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो त्र श और ज्ञ, ये तीनों से संयुक्त अक्षर है, क्योंकि दो दो शब्दों को मिला के, दो दो व्यंजनों को मिला के बने हुए, लेकिन यह संयुक्त अक्षर नहीं है, तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे यह। नेक्स्ट है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो इसमें समास है बहुव्रीहि, क्योंकि बहुव्रीहि समास वो होता है जिसका अर्थ कुछ और निकले और उसका मीनिंग कुछ और हो, भाव कुछ और हो, तो मृत्युंजय हम कहते हैं शिव भगवान को, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो अलंकार होता है अलम धनकार, तो यहाँ पे अलम सही आंसर है। नेक्स्ट है, यह पुस्तक किसकी है? मैं रेखांकित सब शब्द का पद परिचय दीजिए। तो यहाँ पे 41 का पद परिचय है सार्वभौमिक विशेषण एकवचन और स्त्रीलिंग, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, विश्लेषण शब्द का प्रयोग, तो यहाँ पे विश्लेषण जो है उसका विलोम है संश्लेषण, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे हम कहते हैं मूर्धन्य, तो यहाँ पे 43 का सही ऑप्शन है मूर्धन्य। नेक्स्ट है, 44, निम्न में से उष्म व्यंजन कौन से है? उष्म व्यंजन वो होते हैं जिन्हें बोलने में गले से गर्म सी हवा निकलती है, इसलिए उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं, तो उष्म व्यंजन है स श और स, इसका आंसर है सेकंड सही। 45 का, अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम होता है अत्यल्प, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यल्प मतलब होता है बहुत कम, तो इसका विलोम है अत्यल्प। 46, रित का विलोम शब्द क्या है? रित का मतलब यहाँ ऋतु नहीं है, तो इसका उल्टा है विकर्ण, विकर्ण इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताए, तो संकल्प संकल्प होता है, तो इसका आंसर है सम। नेक्स्ट है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, यहाँ कर्मवाच और कृतवाच नहीं है, भाववाच है, क्योंकि इसमें फीलिंग आ रही है, ये सब ये डिनोट कर रहा है कि जो यहाँ पे करता है उसके भाव को डिनोट कर रहा है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, मुझसे हुआ नहीं जा रहा, तो यहाँ पर भाववाची है। नेक्स्ट है, तद्भव और उसके आगे तत्सम का क्या मेल है? तो यहाँ पे लुनाई गलत है, लौंग गलत है, आत गलत है, और चौथा है जो आयसु, उसका मतलब होता है आदेश नहीं होता है, तो इसको आम कहते हैं, तो ये चौथा जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, लेखक और उनकी रचनाओं का कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पहले ही देखने से समझ आ जाता है स्कंद गुप्त, जितने भी गुप्त के जो सारे रचनाएं हैं वो जयशंकर प्रसाद ने की है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र गलत है, तो यहाँ पे ये जो करेक्ट आंसर है उसका 50 का वो 1 है, स्कंद गुप्त। नेक्स्ट है, कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं लिखी है, तो इसका सही आंसर है 4th। लेखक और उनकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? तो गलत है इसमें दर्शन दिग्दर्शन, तो ये रामचंद्र जी शुक्ल ने इसको लिखा नहीं है, तो ये सही आंसर है हमारा 4th। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला अशुद्ध है क्योंकि हाँ के बाद यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए था, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट है, 54th का, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो अधुनातन जो है अलग का है, बाकी शाश्वत चिरंतन और सनातन, ये सारे बहुत पुराने धर्मों के बारे में बताया जा रहा है, तो अधुनातन जो है वो मॉडर्न के बारे में, तो यहाँ ये अलग है।
अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, अधुनातन होता है मॉडर्न, अद्यतन और सनातन भी इससे अलग है, तो प्राचीन जो होता है वो मतलब बहुत पुराना। 56 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? विभीषण सही है, गृहिणी सही है, जगत गुरु सही है, विरहणी गलत है क्योंकि इसमें ह के ऊपर भी मात्रा होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत क्या है इसमें? शब्द बाघ दिखलाना, क्योंकि इसमें लुटिया डुबना का सही है, मुट्ठी गर्म करना भी सही है, माई का लाल भी होना भी सही है। नेक्स्ट है 58 का, यहाँ पे ये पंक्ति दी हुई है तो इसका इसमें अलंकार है अनियोक्ति अलंकार। 59 है गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, गौ के लिए शाला तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में समास है तत्पुरुष, क्योंकि देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पे आपादान तत्पुरुष है इसलिए तत्पुरुष समास इसमें आता है। नेक्स्ट सेक्शन आ गया इंग्लिश, तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। टीचर्स आप सब यहाँ से अपने आंसर्स को मैच करके देख लीजिए कि हिंदी में आपके सेक्शंस में कितने आंसर्स आपने करेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। सीटेट के लिए सब लोग को बेस्ट ऑफ लक।